नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश मिश्रा। चलिए सुपरफास्ट आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है अजमेर से। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का मामला 1 अक्टूबर को होगी। प्रदेश के 46 शहरों में परीक्षा 2000 से ज्यादा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा के लिए आरपीएससी ने जारी किए प्रवेश पत्र। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। सुबह 11 से 2 बजे तक होगी परीक्षा। 6,97,051 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं। ओएमआर शीट में पहली बार पांचवां विकल्प भी शामिल है इसमें। आज से परीक्षा वाले सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी शुरू हो चुका है। सर्वाधिक केंद्र 254 जयपुर में और सबसे कम 9 दूदू में होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से, ये बड़ी खबर हमको मिल रही है। आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का मामला है। 1 अक्टूबर को होगी प्रदेश के 46 शहरों में परीक्षा। 2000 से ज्यादा केंद्रों पर यह परीक्षा की जाएगी आयोजित। परीक्षा के लिए आरपीएससी ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सुबह 11 से 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। 6,97,051 अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत हैं। ओएमआर शीट में पहली बार पांचवा विकल्प भी इसमें शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 1 अक्टूबर को होगी। प्रदेश के 46 शहरों में यह परीक्षा होगी। 2000 से ज्यादा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा, आरएएस प्री एग्जाम 2023, बता दें कि 1 अक्टूबर को प्रदेश के 46 शहरों में यह परीक्षा होगी। 2000 से ज्यादा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी।